इस बाबत कि आने वाली 23 फरवरी को चाहे हमारे दिव्यांग बंधुओं, समाज का कोई भी साथी आपको संकल्पबद्ध भी करेंगे भाई भाई यार तुम आयात सब यार देते हो जितने भी आमंत्रित करता हूँ वो यहाँ आए आज किस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम में आप यहाँ आई थी? जी मैं पहली चीज तो मेरी आज शादी थी और DM साहब की तरफ से मुझे आमंत्रण आया यहाँ पर आने का, जहाँ उन्होंने मुझे गुलाब का पौधा दिया जिससे कि मेरी आगे आने वाली जिंदगी फलती फूलती रहे, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। वोटिंग के लिए क्या आप? जी बिल्कुल, मैं वोट देने मैं पिछले 2-3 सालों से वोट दे रही हूँ और इस बार भी देने बिल्कुल आऊँगी। समाज को लेकर आप क्या कहेंगे? समाज को लेकर के जहाँ पर अगर ऐसे जागरूकता वाले कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ ऐसे DM साहब कलेक्टर साहब हैं, वहाँ पर सारे लोग खुश ही रहेंगे और क्या कह सकते हैं। क्या नाम बताया था आपने? निशी। सबसे पहले हमको वोट देना है, वोट देने के बाद ही हमको अगला काम करना है। हम लोग निश्चित ही वोट देने जाएंगे और बिना लालच के वोट देंगे। अच्छा, आज किस प्रकार के यहाँ कार्यक्रम में आप लोग आई थी? यहाँ वोट जागरूकता अभियान में शामिल हुए हैं हम लोग, वोट जागरूकता अभियान में शामिल हुए हैं। अच्छा, तो क्या आप यहाँ क्या महसूस किया आपने? वोट डालने जरूरी चीज़ है और हम लोग अपनी शादी छोड़ के यहाँ पे इस अभियान में शामिल हुए हैं, इसलिए मैं सबसे अपील करती हूँ कि 23 तारीख को वोट जरूर दें, अपने हर काम छोड़ के वोट जरूर दें। एक्चुअली जो कलेक्टर साहब ने जो है हम लोगों को आमंत्रण दिया, हम लोग गए, उन्होंने चीज़ों को मोटिवेट किया, उन्होंने बताया क्या करना है क्या नहीं करना है, वोटिंग के लिए भी जागरूक किया। तो दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर ऑल एंड सारे शहरों में ऐसा होना चाहिए। ये एक न्यू मोटिवेशन फैक्टर है जो सभी को एप्लीकेबल करना चाहिए। आई एम रियली थैंक्स फॉर अ लॉट मिस्टर कलेक्टर साहब एंड DM साहब, थैंक यू सो मच। विकास शुक्ला। ये आज हमारे बांदा शहर में काफ़ी बड़ी संख्या में शादियां हो रही हैं, तो हम इन नव दंपतियों के माध्यम से अपने जनपद वासियों से अपील करना चाहते हैं कि 23 फरवरी को जो हमारे जनपद में वोटिंग होनी है, पिछली विधानसभा 2017 में 59.65% वोटिंग हुई थी, तो इस बार हम लोगों ने 75% से अधिक वोटिंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वीप कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। उसी के तहत आज हम लोग इस शहर में अपने जीवन की डोर बांधने वाले, अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले जोड़ों से उनके माध्यम से हम लोग उनको आशीर्वाद दिए हैं। पूरे जिले प्रशासन के अधिकारी सारे अधिकारी थे, हम लोग उनको आशीर्वाद दिए हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, समृद्धमय हो। उसके साथ साथ हम लोगों ने इन नव दंपतियों से एक गुजारिश की है, इनसे अपील कराई है कि ये स्वयं वोट करेंगे, अपने माता पिता से, अपने परिजनों से, अपने परिवार के लोगों से, आस पड़ोस से, सभी से वोटिंग कराएंगे और एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, स्वीप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे और 23 फरवरी को 75% से अधिक वोटिंग कराने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। अचानक ऐसा ख्याल क्या कहते हैं? अचानक ख्याल आया कि हमारे चूंकि आज शादी हमारे जनपद बांदा में 16 और 18 को बहुत सारी शादियां हो रही हैं, तो हम लोगों के दिमाग में आया कि क्यों न अपने नव दंपतियों से जो अपने गृह जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और इनका बहुत लंबा जीवन है, बहुत सारे चुनाव भी इनके जीवन में आएंगे, तो क्यों न इसी विधानसभा चुनाव से शुरुआत की जाए और इनसे अपील कराई जाए और इनकी अपील का हमारे जो पहली बार वोटर बन रहे हैं 18 से 19 साल वाले, उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने इन नव दंपतियों के माध्यम से 23 फरवरी को होने वाले वोटिंग में 75% से अधिक वोटिंग कराने के लिए हम लोग इनसे अपील कराई है
और इनका हमें सहयोग मिलेगा। इन लोगों ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि नहीं, हम लोग अपने ससुराल में, अपने मायके में, जहां भी रहेंगे 75% से अधिक वोटिंग कराने के लिए अपील करेंगे, स्वयं वोट करेंगे, अपने परिजनों से भी वोटिंग कराएंगे। दूसरी जगह से यहां लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। नहीं, लाना नहीं था, ये स्वेच्छा से आए हैं। जब इनको बताया गया कि नहीं, एक राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में आपके योगदान की जरूरत है, आपकी सक्रिय भूमिका की जरूरत है, तो हमारे नव दंपति जो पढ़े लिखे लोग हैं, सहर तैयार हो गए कि जब दुनिया, हमारा देश जो है इस राष्ट्रीय महत्व के इलेक्शन को महापर्व के रूप में मना रहा है, तो हम भी अपने जीवन में प्रवेश करने की पहली डेढ़ी पर पैर रखते ही हम इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे और हम जरूर अपील करेंगे। उसी क्रम में ये लोग सहर से यहाँ पर आए हैं। क्या बदलाव कुछ लग रहा है इससे, ऐसे कार्यक्रमों से मतदाता? कार्यक्रम पे तुरंत बदलाव नहीं दिखता, कार्यक्रम का रिजल्ट बाद में दिखता है।